नमस्कार फ्रेंड, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं ध्रुव कुमार। जैसे कि आप लोग इस वीडियो के थंबनेल में देखें कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग आधार सेंटर कैसे ओपन करेंगे, इसका आईडी पासवर्ड आप लोग बिल्कुल फ्री में कैसे लेंगे। अभी जो हम यहां पे ट्रिक बताएंगे, यह नया कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा अगर आप लोग आधार सेंटर ओपन करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में आधार सेंटर मिल जाते हैं, यानी कि आधार का आईडी मिल जाते हैं आपको। जो ये आईडी मिलते हैं, इस आईडी से आप लोग कोई भी आधार का अपडेट कर सकते हैं और किसी भी उम्र का आधार कार्ड बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि 0 to 5 ईयर का आधार कार्ड बनेगा, हर एक व्यक्ति का आधार कार्ड बना सकते हैं। जैसे 0 to 5 ईयर का भी बना सकते हैं और बड़े का भी आधार कार्ड बना सकते हैं, जिसका 5 साल प्लस एज है उसका भी आधार कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। और आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे भाई बोलते हैं किसी को UCL मिला है, उस UCL से क्या होता है कि आधार कार्ड में जो भी न्यू तो बनता नहीं है और बायोमेट्रिक अपडेट नहीं होता है। लेकिन आपको जो ये आईडी मिलेंगे, इस आईडी से आपका बायोमेट्रिक भी अपडेट होंगे, आयरिस भी अपडेट होंगे, फोटो भी अपडेट होंगे, मोबाइल नंबर भी अपडेट होंगे, ईमेल आईडी भी अपडेट होंगे और जेंडर वगैरह सारा कुछ अपडेट होंगे, एड्रेस वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे अपडेट होंगे, ये जो आईडी पासवर्ड मिलेंगे। अब तो बहुत सारे भाई पूछेंगे कि ये आईडी कैसे मिलेंगे और ये कंपनी कौन सा है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसके बारे में हम ऑल डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम जो आधार का आईडी लेंगे, इस आईडी में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहना चाहिए, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट्स आप लोग पूरा नहीं देंगे तो आपको आधार सेंटर नहीं मिलेंगे, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वो आईडी आपको कैसे मिलेंगे और कौन सा वो कंपनी है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले यहाँ पे आपको लगेंगे एक आधार कार्ड जो कि मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो लगेगा ही। उसके बाद आपके पास एक बैंक पासबुक भी होना चाहिए, क्योंकि आधार का जो भी कमीशन वगैरह आते हैं वो आपको बैंक अकाउंट में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आधार का सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले सुपरवाइजर का और ऑपरेटर बांटा गया था, लेकिन अभी नहीं है, अभी आपको सुपरवाइजर का ही सर्टिफिकेट मिलते हैं आधार सेंटर पर, ठीक है। तो आपको आधार का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद ही आपको आधार का काम मिलता है और उसके बाद ही आप लोग आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें, अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है आधार का, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। उस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग सिर्फ 5 दिन में ही वो सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो 70% नंबर आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि आपको आईडी पासवर्ड कैसे लेना है और वो कौन सा कंपनी है। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप हमसे पूछना चाहें, तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। तो चलिए, आधार सेंटर लेने के लिए सबसे पहले आप लोग कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेंगे, आप चाहे तो मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लैपटॉप में करके बता रहे हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल में आप लोग गूगल क्रोम ओपन करेंगे और आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे संजीवनी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे SAN संजीवनी, जैसे आप लोग संजीवनी लिखेंगे, ये संजीवनी विकास फाउंडेशन है, ठीक है। आपको संजीवनी विकास फाउंडेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे संजीवनी vf.org। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इसके वेबसाइट पे आ सकते हैं। इसके वेबसाइट पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी वर्क होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, गैलरी में हर एक फोटो आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, अगर आप लोग यहाँ पे आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना होगा, ऊपर में अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले है होम का, उसके बाद है डाउनलोड का, उसके बाद है CSP रिक्वेस्ट का, वीडियो गैलरी का, CSP गैलरी का, ब्लॉग का, FAQ का, उसके बाद है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एट अ बोर्ड, ठीक है, और आपको यहाँ पे हेड ऑफिस का पूरा एड्रेस मिल जाएंगे, फोन नंबर मिल जाएंगे, आप चाहे तो इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी आप लोग कर सकते हैं, और ये हर एक स्टेट के लिए अवेलेबल है। आप लोग यहाँ पर स्टेट चेक करोगे तो आपको यहाँ पे हर एक स्टेट देखने को मिल जाएंगे, जैसे बिहार है, आंध्र प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, कर्नाटका है, उसके बाद मध्य प्रदेश, केरला है, महाराष्ट्र है, नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा है, राजस्थान है, पंजाब है, पांडिचेरी है, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, सारा स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहे हैं आधार इनरोलमेंट वर्क, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आधार इनरोलमेंट वर्क।
यानी जो आप लोग आधार इनरोलमेंट का काम करना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे प्रोजेक्ट हेड का, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम, आपको नाम भी शो करेंगे और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी शो करेंगे। अगर आप लोग आधार सेंटर ऑपरेट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे डायरेक्ट आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टेक्निकल हेड। यहाँ पे अगर आपको आधार का आईडी मिल चुका है, आपको टेक्निकल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उसका नाम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो पूरी तरह से आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि किस नंबर पे आपको कॉल करना है, कहाँ करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, अगर आप लोग आधार सेंटर नहीं लिए हैं तो आप लोग यहाँ पे कॉल करेंगे और आप लोग अपना पिन कोड बताएंगे और आप अपना पूरा एड्रेस बताएंगे। इस पे अगर आप लोग कॉल करते हैं तो ऑल डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएंगे कि वहाँ पे आधार सेंटर अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद अगर आपको आधार का आईडी मिल जाते हैं और आप लोग काम करने लगते हैं और आपको काम करते वो समय कोई दिक्कत आते हैं तो आप लोग यहाँ पे टेक्निकल हेड है, यहाँ पे कॉल करके अपना जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग जान लें कि आधार सेंटर कैसे आपको ओपन करना है। अब जान लेते हैं कि आधार आईडी लेने के लिए, ठीक है, आपको क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आप लोग आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो संजीवनी विकास फाउंडेशन से आपके पास कोई भी CSP ओपन होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके द्वारा आपको कोई भी CSP ओपन नहीं है तो आप लोग यहां पे आधार सेंटर ओपन नहीं कर सकते। सिंपली आपको सबसे पहले संजीवनी विकास फाउंडेशन के द्वारा कोई भी CSP ओपन कर लेना है। यहां पे बहुत सारे CSP भी देखने को मिलते हैं। CSP आपको यहां पे मिल जाएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी CSP मिल जाते हैं और आपको यहां पे पंजाब नेशनल का भी CSP मिल जाते हैं। तो कोई एक CSP आप लोग ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आधार इनरोलमेंट वर्क का, ठीक है। तो आप CSP ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आधार सेंटर लेने के लिए। अब बहुत सारे भाई का सवाल होगा कि हम संजीवनी से CSP ओपन नहीं किए हैं तो क्या हमको जो है आधार सेंटर मिलेंगे? तो भाई आपको यहाँ पे आधार सेंटर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अपने ही ऑपरेटर को आधार सेंटर देते हैं और आधार सेंटर में आपको कोई भी पैसा नहीं लगता। अगर संजीवनी भी आपको पैसा मांग रहे तो आप गलत साइट पर विजिट कर लिए, क्योंकि कोई भी आधार सेंटर ओपन करने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल फ्री में ही आपको आधार सेंटर ओपन हो जाते हैं और आपके पास जो आधार का आईडी पासवर्ड मिलता है, ठीक है, उसके बाद आपको जो डिवाइस की जरूरत पड़ती है वो डिवाइस में पैसा आपका लग सकता है, लेकिन आईडी लेने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आपको कोई कंपनी बोल रहा है कि हम पैसा लेंगे आधार सेंटर ओपन करने के लिए, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ठीक है। आपको वहाँ पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये बात नोट कर लीजिए। तो अगर आपको संजीवनी भी पैसा मांग रहे हैं तो आपको यहाँ पे पैसा नहीं देना है, क्योंकि कोई भी कंपनी आधार सेंटर ओपन करने का पैसा नहीं लेती है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करता है उसका पैसा लेती है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिवाइस वगैरह खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपको पैसा नहीं देना है। तो आप लोग कुछ इस तरह से आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। तो संजीवनी से कोई आप लोग एक CSP ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार का अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग आधार अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार का आईडी पासवर्ड मिल जाते हैं, फिर आधार का आप वर्क कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग आधार सेंटर ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में, आपको कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो चलेगा जी, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिला है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।